लाहौर के इलाके जुनूबी छावनी में ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी होने वाले दो भाई अस्पताल में दम तोड़ गए। कार सवार खातून ने दोनों भाइयों को 21 अक्टूबर को गाड़ी तले रौंद डाला था। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे वसीम रियाज से। वसीम मजीद बताइएगा। जी देखिए बिल्कुल, ये वाकया लाहौर के थाना जुनूबी छावनी की हदूद में 21 अक्टूबर को पेश आया था, जिसमें ये दोनों भाई जिनकी शनाख्त जो है वो 20 साल नूरुल हसन और 18 साल महमूदुल हसन के नाम से हुई। ये दोनों शेखुपुरा के रहने वाले हैं और लाहौर साहसदारे में भर्ती के लिए अपने कागजात यहाँ जमा करवाने आए थे कि उस दौरान तेज रफ्तार कार ने जो उनको कुचल दिया। बताया जा रहा है कि कार को खातून जो वो चला रही थी, वो मौका से फरार हो गई और दोनों ही जख्मी भाइयों को तिब्बी इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनरल अस्पताल में तिब्बी इमदाद फ्राहम की जा रही थी, जहां गुजस्ता रात ये दोनों ही दम तोड़ गए। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए लाशें वर्सा के हवाले कर दी है, जो आबाई इलाका शेखुपुरा में ले गए हैं। इसमें खातून की शनाख्त जो है वो ईशा के नाम से की गई है, जो ड्राइवर थी, क्योंकि दोनों लड़कों के वालिद की मदयत में ये मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, जल्द कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। बहुत शुक्रिया वसीम।